हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम कराने जा रहे जो कि बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 के, और ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आपकी हिस्ट्री है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराएंगे। और ये DU एसओ रेगुलर NCWEB कॉलेज स्टूडेंट सभी के लिए, सभी का सिलेबस सेम है, तो आप इस सभी वीडियो को देख सकते हैं सेमेस्टर 5 स्टूडेंट के लिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो 90% चांस होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में आने के। चलिए इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको बताते हैं। इससे पहले एक बार बता दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं जो कि आपको यहाँ सामने दिख भी रहे होंगे। यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, 99% चांस इसी में से आएंगे 20 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लासेस हमारी ये 2nd होने जा रही है जो कि आपका यूनिट 2 का B पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ लिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। और ये जो बाकी के क्वेश्चन ये सभी सेम है। ये आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछने का तरीका है, तो किस टाइप से पेपर में आ सकता है तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल पूछा जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता तथा असफलता के कारण उदाहरण सहित बताइए। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ सफलता या असफलता कारण बताइए, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्र संघ सफल था चर्चा कीजिए या असफल था चर्चा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उपलब्धियों में आ जाएगा कि जो ये सफल था उसको अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति स्थापित करने में किस प्रकार सहायक है, तो उसकी सफलता के बारे में लिखना है। विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है, तो इसकी सफलता के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपको सफलता और असफलता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। 6 टाइप से आपको बता दिए हमने, अब इनके आंसर देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ सफल क्यों था उसके क्या क्या कारण थे, फिर वो असफल क्यों था उसके क्या क्या कारण थे। तो आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आपसे सफल या असफल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो क्वेश्चन पता चल गया, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, राष्ट्र संघ की सफलता के पीछे निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित है फर्स्ट पॉइंट, ये आपके सामने सहयोग की भावना। उसमें जो एक सहयोग की भावना होती है, मतलब कि दूसरों के साथ हेल्प करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, ठीक है। राष्ट्र संघ की सफलता के पीछे कई कारण थे। एक मुख्य कारण यह है कि विभिन्न देशों को एक साथ आपसी साझेदारी और सहयोग के माध्यम से जोड़ता है। इसके द्वारा विभिन्न देश के बीच विवादों को सुलझाया जा सकता है। तो मतलब कि जो सहयोग की भावना है इसके अंदर, कि मतलब जो जितने भी देश ना सभी को एक साथ जोड़ने का, साझेदारी लेके एक साथ चलाने का कार्य करता है। और जो विवाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़े मुद्दे होते हैं, उनको सभी को सुलझाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसी टाइप से पेपर में हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। 2nd पॉइंट है भारत की सफलता। राष्ट्र संघ की सफलता में भारत जैसे देशों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जो अपने व्यापक अनुभव और ज्ञान के साथ इसके कार्यों में भाग लेते हैं। मतलब कि जैसे कि आपको पता है भारत देश है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है और उसके पास अनुभव है, तो वो सभी इनके सहयोग करते हैं, इनके में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ये होता है इनका योगदान बढ़ता है और इनकी सफलता के अकॉर्डिंग कार्य करता है राष्ट्र संघ। 3rd पॉइंट है शरणार्थी संगठन। इससे रूस में युद्धबंदियों को रूस के बाहर अपने घरों तक पहुंचने में मदद की। तो ये जो था इसके अकॉर्डिंग ये हुआ था कि इनको जो रूस में जो बंदी होते हैं उनको अपने घर में पहुंचने में मदद की थी। 1933 में इसमें यहूदियों को जो भी नाजी उत्पीड़न, मतलब कि उत्पीड़न का मतलब तो आपको पता है कि जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, से बचने के लिए भाग रहे थे विभिन्न देशों में फिर बसने में मदद की जहाँ वो सुरक्षित है। तो उनको जो एक देश से दूसरे देश में जो लोग जाते हैं ना, तो उनकी हेल्प की गई कि एक ऐसा देश में उनको ऐड किया गया सुरक्षित देश में, जहां वो सुरक्षित रह सके और वहां रह सकते, उनकी मदद की गई थी बसने में, ठीक है। 2nd पॉइंट यही था। 3rd इसका 4 पॉइंट है स्वास्थ्य संगठन। इससे विभिन्न महामारियों के कारणों का पता लगाने में अच्छा काम किया। तो इसमें जो आपको पता है बीमारी होती है, महामारी होती है, उनको पता लगाया गया। तो इससे एक अच्छा काम ये हुआ कि उस बीमारी को हम पता लगा सकते हैं, तो उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। यह है रूस में टाइफास महामारी का मुकाबला करने में विशेष रूप से सफल रहा, जिसमें यूरोप के बाकी हिस्सों में फैलने की क्षमता थी। तो जो आपको पता है रूस में एक बीमारी फैली थी उसको रोकने में भी ये सफल रहा, क्योंकि ये रूस से होते हुए यूरोप तक फैल सकती थी। तो ये क्या हुआ, सफल हुआ। तो स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है। इसका जो 5 पॉइंट है, छोटे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, कि जो जो छोटे अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनको सभी को ख़त्म करता है, उनको निपटाता है। फिनलैंड, पोलैंड और चेक जैसे छोटे देशों के विवाद को सुलझाया, इनके विवादों को सुलझाया गया है। लेकिन इसमें से किसी भी विवाद से विश्व शांति को खतरा नहीं हुआ, और जो भी विवाद थे इनमें से किसी भी विश्व शांति को खतरा नहीं हुआ था। साथ ही जब भी कोई बड़ी शक्ति शामिल होती थी, लिंग का निर्णय हमेशा प्रमुख शक्ति के पक्ष में होता था। मतलब कोई भी बड़ी शक्ति शामिल होगी ना, तो उसका निर्णय एक जो प्रमुख पक्ष होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता था। तो यहाँ तक गाइस था कि इसके सफल होने के क्या कारण थे। तो 5 पॉइंट के अंदर हमने आपको इसको बताया, और 5 पॉइंट के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया पॉइंट वाइज। तो ऐसे ही आपको लिखना है, पेपर में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं इसके सहयोग, योगदान, उपलब्धियाँ या सफलता के कारण। अब यहाँ देखिए नीचे आपको क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्र संघ की विफलता या असफलता के निम्नलिखित कारण है। तो इसके कारण असफलता के क्या क्यों ये खत्म हो चुका है। तो देखिए, संकट को सुलझाने में असफल, मतलब कि जो भी समस्या संकट होती है उसको नहीं सुलझा पाया आने वाले टाइम में। राष्ट्र संघ विफलता के कई कारण है। एक मुख्य कारण यह है कि इसके पास संख्यात्मक और सामरिक संकटों को सुलझाने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। सुरक्षित संरचनाओं की कमी इसे अस्थायी बना सकती है। राष्ट्र संघ के कई फैसलों का कारण यह भी है कि उन्हें सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकृति नहीं माना जाता और वे अमल में लागू नहीं होते। तो इसमें देखिए आपको पता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग संख्या होते हैं उनके संकट को सुलझाने के लिए उनके पास कुछ संसाधन होते हैं, मतलब सीमित संसाधन है, पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे नहीं है कि सुलझा सके। और इसका एक ये भी कारण है कि जो बाकी के देश है ना, इसे एक सफल राष्ट्र नहीं मानता, जिसके कारण उसका सहयोग नहीं करता, उसको स्वीकृति नहीं देता, जिसके कारण वो असफल होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका संविधान की दुर्बलता। राष्ट्र संघ के संविधान में अनेक कमियाँ थी जो उसकी असफलता का कारण बने। तो जो संविधान में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है, इसी कारण ये असफल हुआ। राष्ट्र संघ अपने निर्णयों को मनवाने के लिए सदस्य राष्ट्रों के बाध्य नहीं कर सकता था, यह केवल दबाव ही डाल सकता था। जब राष्ट्रों ने इसके निर्णय नहीं माने तो राष्ट्र संघ महत्वहीन हो गया। तो मतलब ये जो भी आपका निर्णय लेता है उसको बाकी के जो राष्ट्र होते हैं उन पर दबाव डाल सकता है, लेकिन उनसे मनवा नहीं सकता। तो इसके कारण उसका महत्व कम हो चुका है। सेकेंड पॉइंट है, राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। इसके पास कोई सेना नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो तो उसे जल्दी से ख़त्म कर सकें। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्र संघ अपने आर्थिक संसाधनों के लिए सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर था। उनकी स्वतंत्र आय के साधन ना थे, अतः उसे पर्याप्त आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। तो इसके पास जो आय होते हैं पैसे के अकॉर्डिंग भी इसमें कमी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है इनके पास, जिसके कारण ये दूसरे राष्ट्रों के अकॉर्डिंग निर्भर रहते हैं, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते, जिसके कारण इनके संकटों का सामना नहीं कर पाते और वो ख़त्म हो जाता है। इसका थर्ड हेडिंग देख सकते हैं, संरचना की दुर्बलता। राष्ट्र संघ का निर्माण करते समय उसकी संरचना में अनेक दोष रह गए थे, जिसके परिणाम से उसका विनाश हुआ। तो इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसके कारण इसका विनाश हुआ जब इसको बनाया जा रहा था। तो ये क्या थे, तो ये देखिए, संघ की सदस्यता का क्षेत्र व्यापक नहीं रखा गया था। प्रारंभ में उसे पराजित राष्ट्र शामिल नहीं किए गए थे। प्रारंभ में जर्मनी उसका सदस्य ना था, तो इसमें जो पराजित राष्ट्र होते उसको शामिल नहीं किया गया था। जो जर्मनी देश है, बड़ा देश है, तो उसको भी शामिल नहीं किया गया था कि उसकी मदद कर सके। तो इसके कारण इसकी हार हो रही है। सेकेंड पॉइंट है, अमेरिका ने प्रारंभ से ही उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, तो और इसमें अमेरिका देश भी शामिल नहीं था, जिसकी वजह से इसका विनाश हुआ। थर्ड पॉइंट है, साम्यवादी भय के कारण सोवियत रूस को भी सदस्य नहीं बनाया गया। अब उनको एक डर था कि जो साम्यवादी है वो सोवियत रूस को अगर हम सदस्य बनाते तो उसका विरोध करेंगे, तो इसलिए इसको भी नहीं बनाया गया। मतलब जितने भी जो इम्पोर्टेंट देश थे ना, जो शक्तिशाली देश थे, उनको बनाया नहीं गया, तो वो छोटे मोटे देशों को ऐड किया गया है, तो जिसके कारण इसका विनाश होता है। केवल कुछ मित्र राष्ट्र फ्रांस, इटली, जापान ही इसके सदस्य, अतः ये मित्र विजेताओं का संघ था। तो मतलब ये कुछ देश ही शामिल थे और ज़्यादा देश नहीं थे, इसलिए इनका विनाश हुआ। 4 पॉइंट देखिए, अमेरिका का असहयोग, मतलब कि जो अमेरिका की इसमें भागीदारी नहीं थी, उसको शामिल ही नहीं किया गया था, तो कैसे भागीदारी होगी। उस समय अमेरिका की विदेश नीति यूरोप की राजनीति में भाग न लेकर अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी करने की थी। मतलब कि जो अमेरिका चाहता था हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी स्थिति आर्थिक खराब हो सकती है, इसलिए वो शामिल ना होकर अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग ध्यान देने लगा, अपनी आर्थिक स्थिति। अतः वो राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना और ये सदस्य नहीं बना। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। राष्ट्रसंघ के संवैधानिक शक्तिशाली संस्थापक सदस्य अमेरिका ने राष्ट्रसंघ को एक अन्याय बालक के सम्मान यूरोप के दरवाजे पर छोड़ दिया। तो इसने क्या किया कि जो यूरोप के दरवाजे पर इसे छोड़ दिया गया, राष्ट्रसंघ को उसने अपने में शामिल नहीं किया, उससे अलग कर दिया गया, तो इससे इसका विनाश हुआ। 5.1 सदस्य राष्ट्रों की स्वार्थ, मतलब इसमें जो भी जितने भी देश शामिल होते उस सबको अपना फायदा, अपना स्वार्थ देखने की इच्छा थी, तो इसलिए इसका पतन हुआ। राष्ट्रसंघ के विनाश की तिथि से ही ये सदस्य राष्ट्र अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाने लगे। फ्रांस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वार्सय संधि को पूर्ण शक्ति के साथ लगाना चाहता था। सोवियत रूस भी उसे साम्यवादी क्रांति के लिए घातक मानता था, अतः उसने भी इसके सदस्यता ग्रहण नहीं की। अरस्तु राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीतियों एवं स्वार्थ परत के कारण राष्ट्रसंघ नष्ट हो गया। तो आपको पता चला कि जो यहाँ पर सोवियत संघ था और फ्रांस था, ये सब अपने देश मतलब अपने हित के लिए अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग कार्य करते थे, जिसके कारण इसका विनाश हो गया है राष्ट्रसंघ का। जो इसका 6.1 है निःशस्त्रीकरण की विफलता। राष्ट्रसंघ अपनी निःशस्त्रीकरण की योजना को लागू करने में असफल रहा। सन 1930 के बाद यूरोप में हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई, जिसका परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई। इसका अस्वाभाविक परिणाम राष्ट्रसंघ का पतन हुआ। तो मतलब कि आपको पता चला ये जो ये बनाया था इसको विफल कर दिया गया, जिसके कारण ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता ही है उसका आरंभ हो चुका था, जिसके कारण इसका पतन हो चुका। जब आपको 1991 में जो आपका आया था ये राष्ट्रसंघ का पतन हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट है 7 विश्वव्यापी आर्थिक संकट। 1930 में विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी का दौर आया, जिससे प्रत्येक राष्ट्र अपनी समस्याओं से ही जूझने लगे। इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय की भावना लुप्त हो गई। तो इससे ये हुआ कि देखो सभी देशों में काफ़ी ज़्यादा संकट आ गया, विश्वव्यापी संकट आ गया। तो इससे ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भावना होती है इसकी सभी देश मिलकर एक साथ सहयोग करेंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। सब अपना अपना देश देखने में लग चुके, अपने अपने बेनिफिट का अकॉर्डिंग कार्य करने लगे कि हमें दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, पहले हम अपना देश बचाएंगे। तो ये राष्ट्रसंघ खत्म हो चुका। तो फाइनली गाइस क्वेश्चन खत्म हो चुका। पेपर में आपके यही आ सकता है कि इसका सफल होने के कारण बताइए, असफल होने के कारण बताइए, या इसके योगदान बताइए, इसकी उद्देश्य बताइए बनने की। तो सफलता के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा क्लासेस 3 में ये वाला क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।